Good morning students, welcome to next lecture on mathematics. Last lecture में discuss किया था inverse reciprocal होता है इसलिए matrix का. Next topic mathematics rank of matrix. देखिए rank of matrix एक important topic है exam में इसके विषय आगे जाता है आपका. ठीक है. देखिए कोई भी matrix हो सकता है, कोई भी order हो सकता है उसका m by n के हम ये बात नहीं कर रहे कि वो square matrix हो गया या आपके पास row matrix है, column matrix है. कोई भी matrix है जिसका order कितना m by n का है. तो एक पॉजिटिव इंटीजर आर में उस मैट्रिसेस का रैंक होगा अगर उसमें आपके पास आर और नाइन हो जो कि डिफरेंट फ्रॉम जीरो और जितने भी आर प्लस नाइन है वो डिस्केल करो जीरो. देखो बेसिकली हमारे पास रैंक जो होता है वो हमारे पास बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ों की हेल्प करता है. जैसे किसी का सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है तो हम रैंक से पता कर लेते हैं कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नाइन सॉल्यूशन है यूनिक है आपके पास या फिर दो सॉल्यूशन है. रैंक को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स होते हैं. एक तो हम क्या करते हैं अगर मान लीजिए मेरे पास 3x3 के मैट्रिक्स होते हैं या 4x4 मैट्रिक्स होते हैं तो हम मैक्सिमम जितने भी इसके डिटरमिनेंट्स हैं पहले 4x4 को चेक करेंगे. अगर कोई इक्वल टू 0 है तो 3x3 के जितने पॉसिबल पेयर्स हैं सब डिटरमिनेंट्स हैं वो हम बनाएंगे. अगर वो भी सब 0 आ जाते हैं फिर हम 2x2 के डिटरमिनेंट सबको बनाने की चेक करेंगे. ठीक है. या तो डिटरमिनेंट की फॉर्म से चेक करें नहीं तो हमारे पास दूसरा एक मैथड होता है और रैंक को डिटरमाइन करने का वो मैथड होता है इटरेशन फॉर्म. इटरेशन फॉर्म देखिए ज्यादातर हम रैंक को निकालते हैं वो इटरेशन फॉर्म से ही निकालते हैं. ऐसा कभी नहीं आता आपको लिखा हुआ आ जाए कि इसको माइनर के रिंग थ्रू कीजिए या डिटरमिनेंट के थ्रू कीजिए ऐसा कभी नहीं होता. ठीक है. देखिए इटरेशन फॉर्म ये कहती है कि जो भी आपके मैट्रिसेस हैं उसमें फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को आप बंद बना लीजिए. क्वेश्चन फिगर से नीचे के जितने भी फर्स्ट कॉलम जितने भी एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की एरर सब जीरो हो जाए. देन हम क्या करते हैं सेकंड को एंड देन थर्ड को और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमारे पास वो चीज नहीं आ जाती कि फर्दर जीरो करना हमारे लिए बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है. और अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है अगर हम इटरेशन फॉर्म की बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है और वो मैट्रिक्स वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरोस. जितनी भी हमारी नॉन जीरो रोज होंगी वो हमारे पास क्या होगा उसका रैंक होता है. और जनरली मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स तो ए है तो इसका जो रैंक है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं. रो जो नोटेशन होता है वो रैंक को डिटरमाइन करता है. तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यानी कि जितनी भी हमारे पास नॉन जीरो रोज होती है वो हमारे डिटरमाइन करते हैं रैंक. ठीक. तो जो इसको हम क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं कोई थ्योरम नहीं मुझे आपको लिखने के लिए नहीं आता कोई बुक नहीं आता आपको डायरेक्ट इस पर एक क्वेश्चन आता है. देखिए मैं रैंक निकाल रही हूं फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. रैंक कितनी भी रैंक कितनी का आ सकता है. ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो 2x3 का आता है. 2x4 क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा आपका और 3x3 का क्वेश्चन होता है तो वो ए या बी पार्ट में आ जाता है आपका 50 में नहीं तो भी 7.5 में आता है आपके पास. तो देखिए हमें करना क्या है इसमें खाली हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते. इटरेशन फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं कौन सी वाली रो ऑपरेशन. सिर्फ अप्लाई हुआ तो क्या अप्लाई हुआ हमारे पास रो ऑपरेशन कोई कॉलम नहीं कुछ नहीं. ठीक है. जनरली हमारे पास यह कॉन्सेप्ट होता है कि एक रो की हेल्प से हम बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या करने की कोशिश करते हैं जीरो करने की कोशिश करते हैं. तो इसमें फर्स्ट एक लगे फर्स्ट हमारे पास एक पेज पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है एम इक्वल्स टू 2 - 6 - 9. अब मैं अगर देखूं तो ये हमारे पास जो एलिमेंट है हमारे पास 2 - 3 - 6 - 9 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हमारे पास तो अगर हम उसको चेक करें तो ये हमारे पास कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है. और 2x2 की मैट्रिक्स है क्वेश्चन उस पर डिस्कस कर लेते हैं. और हम जो अप्लाई करेंगे वो कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे इटरेशन फॉर्म. हम कोई माइनस उसको ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि अगर इनके हिसाब का एक भी माइनस ऐसा है जो कि जीरो नहीं बैठ रहा है और आपने उसे 2x2 को मान लिया या 3x3 को मान लिया कि सारे ही जीरो बैठेंगे तो वहीं पर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा. तो बेटर है कि हम इटरेशन फॉर्म से करेंगे और इटरेशन फॉर्म में जो हम क्या करते हैं रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है m इक्वल्स टू 2 - 6 - 3 - 9. मैट्रिसेस का ऑर्डर है हमारे पास 2x2 का. ठीक है. ये हमारे पास कौन सी हुआ फर्स्ट वन है और ये हमारे पास कौन सी हुआ आर. हम कोशिश करेंगे
लेते हैं नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम जीरो कर दें ठीक है। अब अगर वैसे वन में कन्वर्ट करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। तो अगर हम अप्लाई करें अगर पॉसिबल है तो कोशिश कीजिए यहाँ पे से क्या बना लें वन बना लें। चलिए सब वन बना लें तो आर वन में ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिएगा आर वन अपॉन टू एम इक्वल टू कितना आ गया कितना आ गया माइनस थ्री बाई टू ये कितना हो गया माइनस सिक्स और ये हो गया हमारा नाइन। अब मुझे यहाँ कितना चाहिए सिक्स चाहिए ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे जीरो करने के लिए आर टू में ऑपरेशन अप्लाई करें क्या करें आर टू प्लस सिक्स ऑफ आर वन यानी कि फर्स्ट वाली रो में हम किससे मल्टीप्लाई करें सिक्स से और आर टू के सारे एलिमेंट्स को माइनस कर दें यानी कि आर टू के जो एलिमेंट्स है वो तो कितने हैं बस माइनस सिक्स और नाइन सिक्स आर वन आर वन भी सिक्स से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा सिक्स और सेकेंड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू सिक्स करेंगे तो कितना आ गया माइनस नाइन। और अब ये दोनों को क्या करना है इंडिविजुअल ये फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है ये क्या आंसर बन रहा है सेकेंड एलिमेंट तो ये तो भाई तो कौन सी थी आर टू थी और ये बनकर आई कौन सी हमारी आर टू। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास जीरो जीरो। तो हमारे पास जब हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो कितना आ गया वन माइनस थ्री बाई टू ये भी जीरो हो गया और ये भी कितना हो गया जीरो ठीक है। अब फर्दर कोई ऑपरेशन नहीं रह सकता क्योंकि हम फिर वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई नहीं करते तो इट मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो कितनी है हमारे पास वन तो इसका जो लाइन आएगा वो भी कितना आएगा हमारा वन। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है हमारे पास वो कितनी है वन क्योंकि ये कंप्लीट रो हमारे कौन से हो गए जीरो तो इट इम्प्लाइज लाइन ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास कितना आ गया और ये हमारा आंसर। तो इसे हम कहते हैं इश्नल फॉर्म। इश्नल फॉर्म का मतलब है आप लोग भी हेल्प से क्या करेंगे सारे के सारे लोग बाकी एलिमेंट्स को जीरो करेंगे और जीरो करके आप ये देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रोज जो है वो नॉन जीरो है वही हमारे क्या आया था आंसर आ जाता है ठीक है। माइनर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसी फॉर्म को फॉलो कर लीजिए एग्जाम में कभी कोई ऐसा टेंशन लेके नहीं आ रहा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। माइनस अब जो मैंने माइनस किया तो ये तो
7 आ गया। थर्ड की बात करें दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए तो साइन माइनस रहेगा यानी कि होगी हमारी माइनस 30 यानी कि यहां पर हमारा प्लस कितना आ गया माइनस 30 ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया आखिरी में से आखिरी माइनस कोण ऑफ आर्गन यानी कि आर्गन के किस पर डिपेंड करने हमें फोर्स से और किस से माइनस करना हमें आर्थ्री से। अब आर्थ्री ने तय करना था यानी कि जो आर्थ्री था हमारा वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम कंप्लीट कर दें कौन सा पार्ट आर्थ्री वाला पार्ट। चलिए हम आर्थ्री को कर लेते हैं आर्थ्री इसको आर्थ्री माइनस फोर ऑफ आर्गन आर्थ्री के एलिमेंट क्या है हमारे पास फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। अब आर्गन में किससे मल्टीप्लाई करने के फोर से आर्गन कौन सी की बनी है इसमें फोर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फोर वन से फोर इसमें फोर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया टू और इसमें फोर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना बचा माइनस थ्री और हमें ये क्या करना है माइनस इसे भी क्या करना माइनस और इसे माइनस करना तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब फोर में से फोर माइनस किया तो फर्स्ट एलिमेंट कितना आ गया जीरो तो इसको तो हमने लिख दिया कितना जीरो। दूसरे की बात करें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन के चीज का जो माइनस तो क्या माइनस का तो यह वैल्यू कितनी आएगी हमारी माइनस सेवन। और थर्ड की बात करें तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस और वैल्यू कितनी बची हमारी माइनस सॉरी प्लस टू तो यह कितनी वैल्यू आ गई हमारी टू ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो हमने फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि इससे अकॉर्डिंग हमें इन दोनों को हमने क्या किया है जीरो किया है। इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया पूरे पहले थ्री से मल्टीप्लाई किया जब थ्री से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्टेड मैट्रिक्स माइनस के लिए एक आ गई और दूसरे में क्या किया ऊपर वाले फोर से मल्टीप्लाई किया और जब फोर से हमने मल्टीप्लाई करके इसको माइनस किया हमने इसके साथ तो बेसिकली हमारे पास क्या वैल्यू आ गई माइनस सेवन एंड माइनस टू आ गया सॉरी प्लस टू ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कंपेयर किया अब हम ये देखना है कि अभी हम और जीरो बना सकते हैं या नहीं बना सकते ठीक है। अभी मेरे पास ये तो आर्गन है ये आर्गन है और ये कौन सी रूम आर्गन मुझे इसकी हेल्प से इसे जीरो करना है यानी कि अब ऑपरेशन किस पे अप्लाई होगा खाली आर्थ्री में अप्लाई होगा और आर्थ्री में जो ऑपरेशन अप्लाई करें देखिए आर्थ्री में ठीक है। अब यह सेवन करने के लिए पूरी रकम को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं टू से और दोनों का अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे प्लस आर्थ्री प्लस ट्वाइस ऑफ अब आर्थ्री प्लस ट्वाइस ऑफ आर टू करेंगे तो हमारे पास कितना पार्ट आ गया यहाँ पर आर्थ्री में से प्लस करना आर्थ्री क्या हमारे पास जीरो माइनस सेवन तो ये हमारी आर्थ्री आर टू में टू से मल्टीप्लाई करें इसमें टू से मल्टीप्लाई किया टू इंटू जीरो जीरो आ गया इसको टू से मल्टीप्लाई किया कितना बचा सेवन इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा माइनस ट्वेंटी और इन्हें एड तो फर्स्ट एलिमेंट में कितना आ गया हमारे पास जीरो यानी कि फर्स्ट टू एलिमेंट से हमारे पास यही आ गया वन बाई टू माइनस या ये जीरो इसमें कोई चेंज नहीं होगा कोई वैल्यू बता दें ये जीरो हो गया और ये भी कितना आ गया जीरो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट भी जीरो सेकेंड एलिमेंट भी जीरो और थर्ड वाला यानी कि हमारे पास कितना ऐड करके बचा माइनस 24। अब इसमें एक चीज देखना कि कोई और रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं कि क्या वो जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता। अब देखिए अगर मैं इसे जीरो करूंगी तो नीचे वाले सारे एलिमेंट हमारे नॉन जीरो होते हुए चले जाएंगे और हम इसका फर्दर जीरो नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स जो यहाँ पर लेंगे तो वो कितने आ गए हमारे पास थ्री तो रैंक जो मैट्रिक्स का आ गया वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास थ्री। तो बेसिकली जब भी हमें रैंक निकालना है तो हम डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग ना जाके हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इचलन फॉर्म। इचलन फॉर्म का मतलब है हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है और कॉन्सेप्ट चाहे कोई भी क्वेश्चन आपका हो किसी भी डायमेंशन का हो आपके पास किसी भी ऑर्डर का हो आपके पास आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को इसको वन बना लीजिए ठीक है। इसको वन बनाने के बाद आप क्या कीजिए जब ये कंडीशन आ गई थी इसकी हेल्प से नीचे के दोनों एलिमेंट को हमें जीरो करना है बट जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो उस रो के तीनों एलिमेंट्स में होगा और नेक्स्ट रो के भी तीनों ही एलिमेंट्स में वो अप्लाई होगा ये नहीं कि हमारे घर एक ही एलिमेंट में वो अप्लाई होगा ठीक। जैसे आपने कहा था वन थ्री और फोर था तो हमने क्या किया इसे इसे जीरो करने के लिए इसमें थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया इसे जीरो करने के लिए फोर से मल्टीप्लाई किया हमने माइनस कर दिया ठीक।
और क्योंकि साइन दोनों के अपोजिट है तो हमने क्या किया उसको प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया ये देखिए। और देन अब हम इसे फर्दर जीरो नहीं बना सकते तो ये हमारे पास क्या हो गया नंबर ऑफ नॉन जीरो। देखिए सिंगल एलिमेंट में अगर मेरे पास नॉन जीरो है तो वो कंप्लीट रो यही डबल नॉन जीरो रो होगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारे पास कितना आ गया ठीक। अब इसके क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ये हमारे पास था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू से कुछ नहीं ठीक है। तो ये ऑरिजिनल फॉर्म में सर फर्स्ट ऑफ आपको रो ऑपरेशन ही अप्लाई करने हैं और रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्टली क्या करना है उसका सॉल्यूशन देना है। और सिंपल कॉन्सेप्ट है जितनी भी नॉन जीरो रोज होंगी वही हमारा क्या होगा उसका पर्टिकुलर रैंक होता है। इसके क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।